क्योंकि भारत में महिलाओं को स्पोर्ट के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ स्थिति है वर्तमान में, उन्हें आगे आने में कई तकलीफें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वैसे स्थिति में जो महिला खिलाड़ी है उनके लिए कितना काम करेगा और भारतीय खेलों को लेकर के क्या रवैया रहेगा, इस कार्यक्रम का जवाब दें। जी आपके सवाल के धन्यवाद। देखिए हम लोग जुमा जुमा हमने इस लंबी मैराथन का भी पहला कदम उठाया, हमें 26 मील और कितना और भागना। इस पहले कदम में हमने दो स्पोर्ट्स को लिया और दूसरे ही साल हमने तीन और को जोड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स को ऐड करते जाएंगे। हो सकता है कि अगले 4 साल में या 5 साल में हम लोग लगभग 30 स्पोर्ट्स को हैंडल करें। दैट मीन्स देयर विल बी 30 काउंसिल्स विच विल बी हैंडलिंग द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट। बच्चियों के लिए हम पहले साल नहीं कर पाए। देखिए ये पहला कदम था हमारा, इट हैड टू बी अ बेबी स्टेप। अगर आप कोई मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं पहले ही छलांग में मैराथन के आखिरी छोर पर पहुंच जाऊं तो संभव नहीं। वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो पहला कदम उठाया है और जो सहयोग आपसे मिल रहा है और जो सहयोग मिल रहा है और मित्रों से भी, यकीनन हम जो आपने कहा बिल्कुल वही इरादा है, वही डिज़ाइन है इसका कि 30 स्पोर्ट्स हो या 35 हो, जितने भी इंडियन स्पोर्ट्स हैं हम सब को इसमें शामिल करेंगे और लड़कियों के भी लिए लाएंगे।